हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता और आप सबका फिर से स्वागत है मल्टी लिविंग की दुनिया में। हम लोग कुछ दिनों पहले एक छोटी सी ट्रिप पे गए थे जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में है, विंध्यासिनी माता या विंध्याचल माता बोलते हैं। सो लेट्स एंजॉय द वीडियो। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई यहाँ अम्बेडकर नगर से, जहाँ पर अभी मैं हूँ, जहाँ रह रही हूँ। अम्बेडकर नगर से हम लोग आए सुल्तानपुर। सुल्तानपुर का छोटा सा ही पार्ट पड़ा था, मैप मैंने ठीक से बनाया नहीं है। उसके बाद हम लोग आए जौनपुर, जौनपुर से संत कबीर नगर। संत कबीर नगर को पहले भदोही कहा जाता था, जो कि कालीन उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। उसके बाद मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में हम लोग रहे होंगे 3-4 घंटे, वहाँ पे दर्शन वगैरह किए। उसके बाद वाराणसी, वाराणसी से जौनपुर, जौनपुर से पहुंच के अंबेडकर नगर। एक्चुअली अंबेडकर नगर यहाँ पूरा आता है, तो अंबेडकर नगर ही पहुंच के तुरंत। तो आते समय ऐसे, जाते समय ऐसे। यहाँ पे संत कबीर नगर के पहले काफ़ी ज़्यादा ख़राब था रास्ता, ये जौनपुर में एंड में, बट इधर वाराणसी वाला रास्ता बहुत अच्छा था। वेट, अभी हम लोग मिर्ज़ापुर नहीं पहुँचे हैं, अभी हम लोग जौनपुर में हैं। जौनपुर में एक प्लेस है चौकिया, वहाँ पे एक शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पे पहले हम लोगों ने दर्शन किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने मिर्ज़ापुर के लिए प्रस्थान किया। तो चलिए आप लोग को भी शीतला माता का दर्शन करवा लाते हैं। शीतला माँ के दर्शन के बाद हम लोग थोड़ा आगे निकले और वहाँ पे एक रोड साइड ढाबा था, सो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर आगे निकल गए। आगे रास्ता बहुत ही बेकार था, बहुत ही ज़्यादा। हमारी कार एकदम बैलगाड़ी से भी धीमी चल रही थी, इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब था। फिर भदोही पहुँचे, भदोही तो रास्ता काफ़ी अच्छा था। भदोही क्रॉस करते ही हम लोग पहुँच गए मिर्ज़ापुर, और ये है गंगा मैया। मिर्ज़ापुर में एंटर करते ही हमें गंगा मैया मिल गई थी, जो कि बहुत ही अद्भुत दृश्य था। ये बहुत ही छोटी जर्नी थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी। हम लोग सोच के गए थे कि 2-3 दिन रुकेंगे, बट रुके नहीं। मोस्टली 18 और 20 आवर्स में हम लोग जा के वापस भी आ गए थे अम्बेडकर नगर से मिर्ज़ापुर। बट बहुत ही यादगार और अच्छी मेमोरीज थी। मैया के दर्शन करने से पहले हम आ गए हैं गंगा मैया के दर्शन करने, जी हाँ। और इनकी भी थोड़ी सी पूजा अर्चना करेंगे और हाथ पैर वगैरह धुलेंगे, क्योंकि हमको नहाना नहीं है, घर से नहा धो के निकले थे हम लोग। सो लेट्स एंजॉय दिस व्यू, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। अब गंगा मैया के पास हम जा रहे हैं, विंध्याचल माता के पास, उनके दर्शन करने।
चलिए उनके भी दर्शन करते हैं। ये देखिए यहाँ आ गए हम माता जी के मंदिर के पास, तो चलिए अब दर्शन वगैरह कर लेते हैं। दर्शन करने से पहले प्रसाद वगैरह लेना तो ज़रूरी है ना, क्या चढ़ाएंगे वहाँ पे? फ्लावर्स और प्रसाद वगैरह खरीद लेते हैं फिर चलते हैं। अब दर्शन वगैरह हो गए हैं तो हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे मंदिर पे, यहीं से 1.5-2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जा रहे हैं। इस मंदिर का नाम है काली खोह मंदिर। और यहीं पे एक अंकल जी हनुमान जी बन के बैठे हैं, उनकी फोटो वीडियो लेने पे काफी ज्यादा ही गुस्सा हो रहे थे वो। अब हम आ गए हैं तीसरे मंदिर, अष्टभुजी मंदिर। यहाँ पे जाने के लिए हम काफी ऊंचाई पे जाना पड़ा था, काफी नहीं बट हाँ ऊंचा था, बट माता जी नीचे हैं जी। पहले आप ऊपर जाइए फिर माता जी से दर्शन करने सीढ़ियों की मदद से नीचे जाएंगे, फिर आपको माता जी वहाँ मिलेंगी। दर्शन करने के बाद हम लोग जहाँ सीढ़ियों से आए थे वहाँ पे गए। मौसम बहुत ही अच्छा था, दिन भर भी मौसम अच्छा था बट रात को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक तो ऊँचाई भी थी और वहाँ पे एक समझ लीजिए फूड कॉर्नर था, सब कुछ मिल रहा था, टिक्की दही बड़ा एंड ऑल। वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा खाया पिया और फोटोज़ वगैरह क्लिक की, फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। जी हाँ एक्चुअली हम लोग रुकने वाले थे बट ऐसे प्लान बना कि चलो चलते ही हैं घर, तो हम लोग घर के लिए निकल गए। ये थी हमारी छोटी सी ट्रिप, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।